ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में आया बल्लेबाजों का तूफान, ऑस्ट्रेलिया के उड़ाए परखच्चे। जहां दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में सुमन गिल और सुरेश अय्यर के शतक के बाद सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम उड़ गई। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों बता दें कि पहला मुकाबला जीतकर भारतीय टीम इस सीरीज में पहले ही बढ़त बना चुकी थी और आज दूसरा मुकाबला जीतकर भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बराबरी करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए आज का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और आज ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज बचाने के लिए किसी भी हाल में भारतीय टीम को हराना चाहती थी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज अपना कप्तान भी बदल दिया था और इस मुकाबले में पैट कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी संभाल रहे थे। इसके अलावा जोस हेजलवुड, जॉनसन और एलेक्स कैरी को खेलने का मौका दिया गया था। तो वहीं भारतीय टीम में आज एक बदलाव हुआ था, जसप्रीत बुमराह को आज आराम दिया गया था और उनकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया था। वहीं दोस्तों जब सिक्का उछाला गया तो आज सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से सुमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी की शुरुआत की। दोस्तों पहले मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई थी। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि आज के मुकाबले में भी ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं हो सका और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तीसरे ओवर में भारतीय टीम का पहला विकेट गिरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जोस हेजलवुड ने ऋतुराज गायकवाड़ को एलेक्स कैरी के हाथों आउट करवा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ 12 गेंद खेलकर सिर्फ 8 रन ही बना सके और भारतीय टीम ने 4 ओवर के खेल में 16 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद सुमन गिल का साथ देने और भारतीय टीम के लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए सुरेश अय्यर मैदान पर उतरे और दोस्तों आज सुरेश अय्यर आते ही काफी आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और जोस हेजलवुड की कुटाई करते हुए 7 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे थे और T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 15 गेंदों में 27 रन बना लिए थे। हालांकि दोस्तों दूसरे छोर पर सुमन गिल का बल्ला अभी खामोश था और सुमन गिल 17 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन दोस्तों सुरेश अय्यर ने तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में ही भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों पर पहुंचा दिया और अब सुरेश अय्यर भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। सुरेश अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर सुमन गिल ने भी अपना गियर बदला और कंगारू गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 9 ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर बता दिया कि वह आज एक बड़ी पारी खेलने के लिए आए हैं। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि एक तरफ जहां सुरेश अय्यर कंगारुओं की कुटाई कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ गिल भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खबर ले रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर तक 80 रनों पर पहुंचा दिया। सुरेश अय्यर आज अलग ही इंटेंट से बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं सुमन गिल भी पूरी लय में नजर आ रहे थे। अब दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। इस दौरान सुमन गिल 37 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 4 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं सुरेश अय्यर भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 47 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम का स्कोर 16 ओवर के बाद 128 रनों पर पहुंचा दिया। दोस्तों दोनों बल्लेबाज आज तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 158 रन था। सुमन गिल जहां 69 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं सुरेश अय्यर 74 रन बनाकर खेल रहे थे और दोनों बल्लेबाज अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। दोस्तों 16 के स्कोर पर पहला विकेट गंवाने के बाद भारतीय टीम ने मैच में शानदार वापसी कर ली थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच 184 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और दोनों खिलाड़ी अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज इन दोनों का विकेट लेने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे थे। स्टीव स्मिथ जिस भी गेंदबाज को भेजते ये दोनों उसकी धुनाई कर देते। इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 29वें ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 202 रनों पर पहुंचा दिया। दोस्तों दोनों खिलाड़ी अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। सुमन गिल जहां 92 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं सुरेश अय्यर 94 रन बनाकर खेल रहे थे। इस दौरान सुरेश अय्यर ने अपने वनडे करियर का तीसरा शतक भी पूरा कर लिया। सुरेश अय्यर ने 83 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्के की मदद से अपना शतक पूरा किया और 30वें ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 210 रनों पर पहुंच गया। लेकिन फिर 32वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया और सीन अबॉट ने सुरेश अय्यर को कैच आउट करा दिया। सुरेश अय्यर 90 गेंदों में 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 105 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों सुरेश अय्यर के आउट होने के बाद कप्तान केएल राहुल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। इस दौरान सुमन गिल ने भी अपने वनडे कैरियर का 6वां शतक पूरा कर लिया। सुमन गिल ने 92 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्के की मदद से अपना शतक पूरा किया और भारतीय टीम का स्कोर 33 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 230 रनों पर पहुंच गया।
किया। अब यहाँ से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी सुमन गिल और केएल राहुल के कंधों पर थी, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों बल्लेबाज साझेदारी को आगे बढ़ा पाते 243 के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा और 35वां ओवर लेकर आए कैमरून ग्रीन ने सुमन गिल को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करा दिया। सुमन गिल ने अपनी पारी में 97 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 104 रनों की पारी खेली। अब यहां से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी केएल राहुल और ईशान किशन के कंधों पर थी। भारतीय बल्लेबाज आज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी और इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की परेशानी भी बढ़ रही थी, लेकिन इससे पहले कि ईशान किशन और केएल राहुल कोई बड़ी साझेदारी कर पाते 41वां ओवर लेकर आए एडम जंपा ने ईशान किशन को आउट कर दिया। ईशान किशन ने 31 रनों की पारी खेली और 302 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को चौथा झटका लगा। ईशान किशन के आउट होने के बाद केएल राहुल का साथ देने और भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए और सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही तूफान मचाकर रख दिया। दोस्तों कैमरून ग्रीन के ओवर में सूर्य कुमार यादव ने लगातार 4 छक्के जड़े और 44वें ओवर में भारतीय टीम ने कुल 26 रन बटोर लिए और 44 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 337 रनों पर पहुंच गया। इस दौरान केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद केएल राहुल ने अपना विकेट भी गंवा दिया और 354 के स्कोर पर भारतीय टीम को 5वां झटका लगा। कैमरून ग्रीन ने केएल राहुल को बोल्ड कर दिया। केएल राहुल के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए और इन दोनों ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के धागे खोलकर रख दिए। जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव T20 के अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। सूर्य कुमार यादव की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर स्टीव स्मिथ मैदान में ही सर पकड़कर रोने लगे। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सूर्य कुमार यादव के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 48वें ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 384 रनों पर पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव ने आज मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बारिश की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और 50 ओवर के खेल में भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 399 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 400 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने जहां नाबाद रहते हुए 37 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 6 छक्के की मदद से 72 रन बनाए, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 9 गेंदों में 13 रन की पारी खेली। दोस्तों आज भारतीय टीम ने रन नहीं बल्कि रनों का पहाड़ खड़ा किया था, जिसके नीचे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दबकर रह गई और लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी।